अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फारूक और आप देख रहे हैं द डिजिटल एनएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल रीडायरेक्ट यू लिंक्स कैसे आप बना सकते हैं और वो हम यूज़ कहां पे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके इसको ऑल पे सेट कर देना है। तो जी, गूगल रीडायरेक्ट यूआरएल बनता कैसे, वो तो मैं आपको यूज़ करना वो तो मैं आपको जो है ना बनाना भी सिखा देता हूँ, लेकिन यूज़ करने के बारे में मैं बताता हूँ। वो लिंक आपने कहीं से भी ट्रैफिक लेनी है, कहीं से भी किसी लोकल वेबसाइट से कहीं से भी ट्रैफिक लेनी है, वो लिंक आपके बड़ा आपके यूज में आएगा। तो चलते हैं, आपको मैं लिंक बनाना सिखा देता हूँ और उसके अलावा आपने वीडियो को लाइक कर देना है। यहाँ पे मैं गूगल साइट्स में आ गया हूँ। यहाँ पे आपने गूगल साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम लिखना है तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी जो है ना इस जो यहाँ पे लिखा होता है पहले खुद से, यहाँ यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है और ये जो लिंक है ना, ये वाले लिंक वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और पीछे से ये जो आवाज़ें आ रही हैं हमने थोड़ा सा इग्नोर करना है, हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। और लिंक यहाँ पे आपने जो है ना दे देना है और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब जो है ना इस पोस्ट को आपने पब्लिश कर देना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी, ये मैंने लिख दिया है और अब मैं पब्लिश के बटन पर क्लिक करता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये व्यू के बटन पे यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, ये अब यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आपका जो आपने इस चीज़ के अंदर लिंक दिया था ना, अपनी वेबसाइट का ही देना था इसके अंदर लिंक, उस चीज़ का यहाँ पे गूगल का रीडायरेक्ट यूआरएल आपको यहाँ मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करके कॉपी लिंक कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का लिंक है। पेस्ट, ये लंबा चौड़ा लिंक है, जहाँ से भी आपने ट्रैफिक लेनी है, जहाँ पे आप दूसरों की वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो अपनी आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, इस तरह की वेबसाइट से आपने ट्रैफिक लिखनी है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, एक दफ़ा आपने ओपन करके ज़रूर देख लेना। ये देखें, पहले ये गूगल पर रीडायरेक्ट हुआ, फिर ये मेरी वैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट बनाई हुई थी तो ये उस पर रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये मैंने इसलिए बनाई है, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं था किया गूगल रीडायरेक्ट यूआरएल में वो जो मैंने अपलोड की थी ट्रैफिक के बारे में। और एक चीज़ पे करने के, आपने एक दफ़ा इस लिंक ओपन करके देख लेना, फिर आपने किसी भी वेबसाइट से ट्रैफिक लेने को ले। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेट्स में जाके कि अभी जो मुझे ट्रैफिक आई है वो कहाँ से आई है। ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बनाया हुआ है, बस आपको दिखाने के लिए मैं भी दिखाता हूँ। अभी आई है, ये देखें 5 गूगल से आए हैं। मैं पहले भी इसके ऊपर बड़ी बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, 6 हो जाएंगे शायद, नहीं वो पहले ही रिफ्रेश हुआ है तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ 9। अभी तो मैंने इसके ऊपर कोई ड्यूटी ट्रैफिक नहीं थी ली, तो ये देखें गूगल से 2 आए हैं, 2 बार शायद मैंने इसको ओपन कर दिया है। अभी जो है इसके ऊपर 2 गूगल से जो है ना काउंट हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कब इसका कुछ पता नहीं है, ये कब ये चीज़ बंद हो जाए, ठीक है ना। और अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं ना लगे गूगल रीडायरेक्ट यूआरएल बनाने के बारे में तो आपने कमेंट कर देना है और मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर ना रिप्लाई दिया तो अलग मैं वीडियो बना के आपको बता दूँगा दोबारा से। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।